अच्छा भाई, जब हम प्रोपोजिशनल कैलकुलस से फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई प्रोपोजिशनल कैलकुलस में लिमिटेशंस हैं कि फॉर ऑल देयर एक्स जिस पे काम नहीं कर सकता। और जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस से स्विच करके टॉपिक चेंज हो रहा है वो हो रहा है प्रेडिकेट कैलकुलस, या उसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कह सकते हैं। प्रेडिकेट कैलकुलस और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है, एक्सटेंशन है प्रोपोजिशन लॉजिक की। देखें और किस तरीके से अलाउ करता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप फर्ज करें हम प्रेडिकेट लॉजिक या प्रेडिकेट कैलकुलस के जरिए लिख रहे हैं, तो अगर किसी बॉल का कलर ब्लू है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कलर बॉल कॉमा ब्लू। तो इसका मतलब है बॉल कलर इज ब्लू, बॉल कलर इज ब्लू, बॉल कलर इज ब्लू। तो इस तरीके से ना किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने का मैकेनिज्म मिल जाता है। अभी आप देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये देखिएगा। और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो FOL है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अगर हम FOL समझें तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें एग्जांपल है ये, फिर इसके बाद हम इस पे समझेंगे कैसे लिखा हुआ है। कि फर्ज करें पूरी प्रोपोजिशन को मैं ऐसे डिफाइन नहीं करना पी क्यू आर एस। अब मैंने लिख दिया मैन ब्रैकेट में अहमद, इसका मतलब है अहमद इज अ मैन। तो अगर मैन एक से ज्यादा होंगे तो अहमद की जगह पे नाम चेंज होता रहेगा। तो अब एक जो मैंने प्रेडिकेट बना दिया है वो मैन का बना दिया। अब मैन एक से ज्यादा हो सकते हैं तो जो मैन होगा वो इस ब्रैकेट में अलग से नाम आ जाएगा। फर्ज कर अकरम आ जाएगा, असलम आ जाएगा, जो भी नाम आएंगे वो उस ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस तरीके से अहमद फादर इज बिलाल, अहमद फादर इज बिलाल, ये डिफाइन करना पड़ेगा आपने कि रेफरेंस किसका लिया हुआ है, कि बिलाल अहमद का फादर है या अहमद बिलाल का फादर है। तो आप पहले फिर डिफाइन करते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू दिस थिंग, मतलब अहमद फादर इज बिलाल, अहमद फादर इज बिलाल, ठीक है। इसी तरीके से ब्रदर, तो अहमद ब्रदर इज चांद, ओन्स बिलाल ओन्स कार, बिलाल के पास एक कार है, बिलाल इज टॉल, ठीक है। अहमद हेट्स चांद, इसका मतलब अहमद चांद से हेट करता है, ठीक है। और इस तरीके से डिफरेंट आप प्रेडिकेट बना सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये वाली चीज, ये वो चीज होती है जिससे आप एक से ज्यादा लोगों पे कोई चीज ट्रू कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। फॉर ऑल हो गया, दियर एग्जिस्ट हो गया, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिसके जरिए आप एक से ज्यादा लोगों पर कंडीशन ट्रू कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, इसमें जो नाम हमने दिया है अहमद बिलाल चांद, ये कॉन्स्टेंट लोग हैं, कार हो गई, ये कॉन्स्टेंट हो गए, ठीक है। अब हम इसको समझने से पहले इसके कनेक्टिव्स, ये तो आपने कनेक्टिव पढ़ ही लिए थे, ठीक है। दीज कनेक्टिव्स नॉट इम्प्लाइज दैट डिसजंक्शन कंजंक्शन एंड बाई डायरेक्शनल। अब ये दो क्वांटिफायर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं जो कि एक होते हैं फॉर ऑल और दियर एग्जिस्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लेते हैं फिर हम इसकी मदद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखें पहला क्वांटिफायर कहलाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसका सिंबल होता है ये। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये उल्टा ए बना हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी फॉर ऑल। अगर किसी चीज से पहले ये लिखा हुआ तो मीनिंग क्या हो जाती है, फॉर एवरी फॉर ऑल। देखेंगे, ये देखिएगा, अब मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, ब्रैकेट आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने लिखा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स इसका मतलब है जितने भी एक्स हैं वो सब, कंडीशन क्या ट्रू होगी, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। ये सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है कि जो भी एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, मतलब हर एक्स पे कंडीशन ट्रू हो रही होगी, दो एक्स आपस में मतलब एक्स प्लस एक्स के बराबर क्या आ रहा होगा, टू एक्स आ रहा होगा। एक दूसरी एग्जाम्पल देखें, फॉर एवरी एक्स या फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर। अब ये एग्जाम्पल समझिएगा, फॉर एवरी एक्स और फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर, मतलब दुनिया के वो तमाम एक्स, लेकिन एक्स होना क्या चाहिए, स्क्वायर, इंप्लाइज दैट एक्स इज पॉलीगॉन। इसका मतलब है अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स पॉलीगॉन होगा, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इंप्लाइज दैट ये कहता है कि एक्स पॉलीगॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वही चीज आ गई जो हमने इंप्लाइज दैट पढ़ा था, ये चूंकि एक्स लिखा हुआ तो एक्स बहुत सारे हो सकते हैं तो फॉर ऑल एक्स लिख दिया। अब कंडीशन क्या हो गई, फॉर ऑल एक्स हर चीज एक्स है लेकिन एक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। अगर इसको वर्ड्स में लिखें तो एवरी स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन। अब एवरी आ गया तो एक से ज्यादा आ गए,
एवरी स्क्वायर इज पॉलीगॉन, तो ये एक से ज्यादा आ गए, क्लियर हो गई है बात? तो आप किसी भी सेंटेंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से लिखने में आसानी होती है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ऐसे पढ़ सकता हूं, फॉर एवरी एक्स डेफिनेटली एक्स इज अ शेप, इफ एक्स इज स्क्वायर, फॉर एवरी एक्स एक्स इज स्क्वायर देन एक्स इज पॉलीगॉन, इट इंप्लाइज दैट एक्स इज अ पी पॉलीगॉन। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स पॉलीगॉन है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पॉलीगॉन भी होगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स पॉलीगॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इंप्लाइज दैट। आर यू गेटिंग मी? इसको हम अपनी ऑड और प्राइम वाली एग्जांपल पे समझे, तो यहां पर आ जाएगा फॉर एवरी एक्स सच दैट एक्स इज ऑड, फॉर एवरी एक्स सच दैट एक्स इज ऑड इंप्लाइज दैट एक्स इज प्राइम, सही है? तो अब अगर मैंने कुछ एग्जांपल ली हुई है यहां पर, ये देखें, अब अगर ये लाइन लिखी हुई है कि एवरीवन एट कीड इज स्मार्ट, एवरीवन एट कीड इज स्मार्ट, तो इसको मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर के जरिए कैसे लिख सकता हूं? ये देखें, फॉर ऑल एक्स, अब मुझे ना प्रिडिकेट बनाना, ये प्रिडिकेट कहलाता है जो जैसे अभी मैंने यहां दिखाया था ना आपको, ये छोटा सा फंक्शन है, ये जो ऑन्स बिलाल कार, ये प्रिडिकेट कहलाते हैं जो एक से ज्यादा लोगों पर ट्रू हो रहे होते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एट कीट, एक्स इज एट कीट, अब एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो इसलिए एक्स लिख दिया। अब यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी कीट पे होगा इंप्लाइज दैट एक्स इज स्मार्ट। इसका मतलब क्या है, ये लाइन ये कह रही है एवरीवन एट कीट इज स्मार्ट, इसका मतलब ये है कि जो कीट पे होगा स्मार्ट होगा, और जो कीट पे नहीं है वो स्मार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो कीट पे नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, जो बंदा या स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, जो स्टूडेंट या जो भी मेंबर है वो कीट पर अगर है तो स्मार्ट होगा, अगर कीट पे नहीं है तो स्मार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस लाइन में ये नहीं लिखा हुआ कि कीट पे होगा ही तो स्मार्ट होगा, इसमें लिखा हुआ एवरीवन एट कीट इज स्मार्ट, इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि इफ एंड ओनली एट कीट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कीट पे होगा तो स्मार्ट होगा। तो देखिए मैंने कैसे लिखा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एट कीट इंप्लाइज दैट एक्स इज स्मार्ट, सही है ना? तो अगेन यहां पर जो समझने की जरूरत है ना, कि फॉर ऑल के साथ, फॉर ऑल के साथ ज्यादातर इंप्लाइज दैट यूज होता है, फॉर ऑल के साथ ज्यादातर क्या यूज होता है, इंप्लाइज दैट। कुछ स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि फॉर ऑल के साथ यहाँ पर एंड लॉजिक लगा देते हैं, एंड लॉजिक मतलब वो जो एंड का साइन है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ आगे, ये देखिएगा, टिपिकली इंप्लाइज दैट इज द मेन कनेक्टिव विद फॉर ऑल, टिपिकली इंप्लाइज दैट इज द मेन कनेक्टिव विद फॉर ऑल। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, कि यूजिंग एंड एज अ मेन कनेक्टिव विद सिंबल, ये देखें, अगर मैं सिर्फ इस लाइन में यहां से इंप्लाइज दैट हटा के क्या लगा दूं, एंड का सिंबल, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा, फर्स्ट करें मैं इसमें सिर्फ सारी चेंजेस वही रखूं, सारी चीजें वही रखूं, सिर्फ यहां पर इंप्लाइज दैट हटा के क्या लगा दूं, एंड, तो देखिए मीनिंग देखिएगा क्या हो जाएगी, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज कीट एंड एक्स इज स्मार्ट एंड एक्स इज स्मार्ट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये दोनों कंडीशन हमेशा ट्रू होंगी, एक्स को कीट पे भी होना है एंड एक्स को स्मार्ट भी होना है। देखें तो मीनिंग क्या होगा इसकी, एवरीवन इज एट कीट एंड एवरीवन इज स्मार्ट, सब लोग कीट पर भी हैं एंड सब लोग स्मार्ट भी हैं। हमारी लाइन में ये नहीं लिखा हुआ था, हमारी मैंने एवरीवन एट कीट इज स्मार्ट लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था जो कीट पे नहीं है उनके बारे में बात नहीं हुई। आप क्या कह रहे हैं, एवरीवन इज एट कीट एंड एवरीवन इज स्मार्ट, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एट कीट एंड एक्स इज स्मार्ट, तमाम लोग कीट पर हैं एंड तमाम लोग स्मार्ट भी हैं। तो मीनिंग चेंज हो जाती है अगर आप इंप्लाइज दैट हटा के एंड का सिंबल लगा दें। ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो ऑलमोस्ट फॉर ऑल के साथ आप एंड लगाते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आप एंड नहीं, एंड लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, आपको इंप्लाइज दैट लगाना है, ठीक है ना? तो तकरीबन हम ज्यादातर जगहों पे क्या लगाते हैं, फॉर ऑल के साथ इंप्लाइज दैट लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, ये दूसरा सिंबल है क्वांटिफायर का, ये कहलाता है एग्जिस्टेंशियल। अब एग्जिस्टेंशियल को कहते हैं देयर एग्जिस्ट फॉर सम फॉर एटलीस्ट वन। अगर इसको मैं सिंबल की फॉर्म में समझाऊं तो ये उल्टा ई लिखा हुआ है, रिवर्स में ई लिखा हुआ है, ठीक है? जहां पर हमें किसी एक की बात करनी हो, कुछ लोगों की बात करनी हो, फॉर एटलीस्ट वन, हमें किसी कम से कम एक की बात करनी हो, कम से कम एक का मतलब ये होता है एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा, फॉर एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब है कम से कम एक, ठीक है? देयर एग्जिस्ट सम,
तो हो सकता है वो एक हो सकता है वो दस हो, लेकिन कुछ ना कुछ है। ये देखिएगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन, मतलब इस वक्त कोई ना कोई एक्स मौजूद है जो कि पर्सन भी है, मतलब इंसान भी है, एंड एक्स इज अहमद फादर। पर्सन जो है वो इंसान भी है और एक्स इज अहमद फादर। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम पर्सन हु एक्स हु इज अहमद फादर, अगर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ूं। आर यू गेटिंग मी? तो देयर एग्जिस्ट के साथ हम ये लिखते हैं कि जब हमें किसी एक की कम से कम जरूरत होती है, तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट, अब यहां पर ना देयर एग्जिस्ट के बाद एंड लगता है, क्यों? क्योंकि देखिए अब ये एग्जाम्पल बड़ी समझने वाली है, मतलब इसमें एग्जाम्पल ऐसी ली हुई है कि आपको समझ में आ जाएगा। एंड लॉजिक है, तो एक्स पर्सन होगा और एक्स अहमद का फादर होगा, ठीक है? तो ये कंडीशन एक ही पे ट्रू होगी, ये कंडीशन एक से ज्यादा पे हो सकती है, तो किसी एक पे भी अगर ट्रू हो रही है तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर टिपिकली क्या होता है कि एंड कनेक्टिव लगता है किसके साथ, ये वाला कनेक्टिव किसके साथ लगता है वाला कनेक्टिव, देयर एग्जिस्ट के साथ। अगर यहां पर भी वही वाली बात, मैंने एग्जाम्पल दे देता हूं, Someone at kid is smart. इसका मतलब है कोई है kid पे जो स्मार्ट है। तो मैंने लिखा there exists some x, there exists some x such that x is at kid, there exists some x such that x is at kid and x is smart, there exists some x such that x is at kid and x is smart. तो यहाँ पर एंड लगाना जरूरी है। अगर मैं एंड के बजाय implies that लगा दूंगा, और से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर एंड की जगह implies that लगा दूं, तो मुझे कोई बता सकता है इस लाइन की मीनिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगी? मतलब there exists some x such that x is at kid implies that x is smart, इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई मुझे चैट में बता दे। कोई मुझे अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चैट पे बता दे कि अगर मैं implies that, नहीं पूरी लाइन स्पेसिफिक बताइए, पूरी लाइन लिख के बताइए कि क्या मतलब होगा उसका। जैसे यहाँ पर ये लाइन थी ना, पूरी लाइन हमने लिख के बताई थी, ये लाइन जैसे ये लाइन लिखी थी एवरीवन इज किड एंड एवरीवन स्मार्ट, इस तरीके से मुझे प्रॉपर इंग्लिश में लाइन बता देंगे अगर मैं एंड हटा के इम्प्लाइज डेट लगा दूं तो क्या मतलब हो जाएगा। अगर फर्ज करें मैं ये काम कर दूं, फर्ज करें करना नहीं है लेकिन मैं ये काम कर दूं अगर, तो बताइए मतलब क्या हो जाएगा। जी एनीवन, समवन एग्जिस्ट एट कीट, समवन इन कीज इज स्मार्ट, ठीक है? देख लेते हैं क्या मतलब है भाई, जब हम मौजूद है ये देखिएगा, अब अगेन अगर मैं यहां पर इंप्लाइज डेट लगा दूं तो आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से सोचे तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज दैट कीट इंप्लाइज दैट एक्स इज स्मार्ट, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करें। फर्ज करें एक्स है मेरे बड़े भाई और वो कीट में नहीं है, इंप्लाइज दैट ये कह रहा है कि अगर वो कीट में नहीं भी है तब भी वो स्मार्ट हो सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समवन देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज दैट कीट, अब वो कीट में नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एक ऐसा बंदा जो कीट पे नहीं है उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो गई। इंप्लाइज डेट ये कहता है कि स्मार्ट एक्स अभी भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि इंप्लाइज डेट ये कहता है कि इसके ट्रू होने के लिए इसका ट्रू होना जरूरी नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे एक्स को पिक कर लेंगे गलती से जो कि कीट पे नहीं है तब भी वो स्मार्ट हो सकता है, लेकिन हमारी लाइन क्या कह रही है, हमारी लाइन ये कह रही है कि someone at kid is smart, हमें कीट वाले की ही बात करनी है, लेकिन implies that लगाने से कीट के अलावा वाला बंदा भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन से फुलफिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ये लिखा हुआ is true if there is anyone who is not at kid, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आया? अगर मैं implies that लगा दूंगा तो implies that से वो बंदा भी ट्रू कर जाएगा यहाँ पर जो कीट पे नहीं होगा, लेकिन हमने इतनी लाइन में क्या बात बोली है, लाइन में बोलिए someone at kid is smart, कि भाई कीट पे किसी एक की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर x पुट करूं, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई।
अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ट्रू हो सकती है, लेकिन अगर मैं एंड लगा दूं यहां पर तो देखें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब है उसे कीट पे होना भी चाहिए और स्मार्ट भी होना चाहिए। फर्ज करें वो स्मार्ट है, अब मैं अगर यहां पर उसी बंदे की बात करूं जो कीट पे नहीं है, अगर मैं उस बंदे की बात करूं जो यहां पर कीट पे नहीं है तो यहां पर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि वो कीट पे नहीं है, तो एंड लॉजिक कहती है कोई एक भी फॉल्स होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, वो इसको चेक ही नहीं करेगा। ये वही बात, तो टिपिकली देयर एग्जिस्ट के साथ जो हम यूज करते हैं वो एंड कनेक्टिव यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, देयर एग्जिस्ट के साथ हम कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं, एंड कनेक्टिव, और फॉर ऑल के साथ कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं, इंप्लाइज दैट। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, मतलब प्रॉपर्टीज है क्वांटिफायर की, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई इज द सेम एज फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि ये सेम है, चूंकि ये सेम है तो हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, और दियर एक्सिस वाई दियर एक्सिस एक्स, इसको भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पोजिशन से, लेकिन अगर एक दियर एक्सिस है और एक एक फॉर ऑल वाई, मतलब एक दियर एक्सिस एंड फॉर ऑल वाई इज नॉट द सेम एज फॉर ऑल वाई, मतलब आगे पीछे नहीं लिख सकता आप इनको, ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया नेस्टेड लूप का, ठीक है, तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, दियर एक्सिस के अंदर फॉर ऑल आए और फॉर ऑल के अंदर दियर एक्सिस आए, ये प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा देता हूं, ये एग्जांपल देखें नीचे वाली लिखा हुआ है दियर एक्सिस सम एक्स, दियर एक्सिस सम एक्स सच दैट एक्स लव्स एवरी वाई, There exists some x such that x loves everyone. मतलब एक x है वो दुनिया में हर किसी से प्यार करता है. There is a person who loves everyone in the world. इसका मतलब ये है कि there exists some x who loves everyone in the world. There exists के अंदर आ रहा है, तो एक x है वो दुनिया में सबसे प्यार करता है. लेकिन अगर मैं इसकी पोजिशन चेंज कर दूं और कुछ भी चेंज ना करूं तो फॉर ऑल y such that y loves some x. तो दुनिया में हर कोई एक्स से प्यार करता है, मतलब क्या है, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज लव बाय एटलीस्ट 1%, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज लव बाय एटलीस्ट 1%, यहां मीनिंग चेंज हो रही है, तो देयर इज अ पर्सन हु लव्स एवरीवन इन द वर्ल्ड, इसका मतलब हो रहा है एवरीवन एवरीवन इन द वर्ल्ड लव समवन इन द वर्ल्ड, ठीक है, लव बाय एटलीस्ट 1%, तो दोनों की मीनिंग चेंज हो जाएगी अगर आप इनको आगे पीछे करके लिख दें, सही है। और जो क्वांटिफायर होते हैं उनकी ड्यूअलिटी भी होती है, ड्यूअलिटी क्या होती है कि अगर मैं फर्ज करें फॉर ऑल यूज नहीं करना चाह रहा, फॉर ऑल यूज नहीं करना चाह रहा तो मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स लाइक्स आइसक्रीम, इसका मतलब है कि एक्स जो है दुनिया में तमाम एक्स आइसक्रीम को पसंद करते हैं, अगर मैं इसको दियर एग्जिस्ट से रिप्लेस करना चाहूं तो मैंने लिख दिया There exists likes, दोनों से पहले negation लिख दिया, अब negation क्या कर रही है ये देखिएगा, There exists no x, अगर मैं negation नहीं लगाता तो मैं पढ़ता There exists some x, लेकिन मैंने चूंकि no लगा दिया तो इसका मतलब है There exists no one, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है such that x don't like ice cream, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ice cream पसंद ना करता हो, सब पसंद करते, तो बिल्कुल वही चीज है लेकिन हमने निगेशन के साथ रिप्रेजेंट की है, और सेम फॉर दिस देयर एग्जिस्ट सम एक्स हु लाइक्स ब्रोकोली, ठीक है, तो अगर हम निगेशन लगा दें तो वही मीनिंग आ जाएगी, तो अगर आप इसकी ड्यूअलिटी कहलाती है क्वांटिफायर की, कि अगर हम फॉर एल से पहले नॉट लगा दें और प्रेडिकेट से पहले भी नॉट लगा दें तो सेम मीनिंग होती है, ये देखिएगा, अब मैंने एक एग्जाम्पल दी है ब्रदर्स आर सिबलिंग्स, अब जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती हर जगह देयर एग्जिस्ट लगाएं, मैंने कहा था मोस्टली यूज होता है, तो देखें फॉर ऑल एक्स एंड वाई, अब ये चीज भी सेम है, अगर मैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई लिख रहा हूं तो मैं एक दफा फॉर ऑल लिखूं एक्स कमा वाई लिख दूं तो इसका मतलब है ये फॉर ऑल दोनों के साथ आया, ठीक है, ये फॉर ऑल दोनों के साथ आया, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई सच दैट एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई इंप्लाइज बाई डायरेक्शनल सिबलिंग एक्स कमा वाई, अगर अगर ब्रदर होंगे एक्स कमा वाई तो सिबलिंग होंगे, और सिबलिंग होंगे तो लाजमी है कि ब्रदर होंगे, सही है,
और भी एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा, ये देखिएगा। अब मैंने ना एक सिनेरियो दिया हुआ है, अब इस एग्जाम्पल को समझते हुए आप ये पिक कीजिएगा कि जो आप सिनेरियो में होते हैं तो एक जैसे नाम यूज करते हैं। मतलब क्या है कि फर्ज करें लूसी इज अ प्रोफेसर, अब मुझे ये पूरा सिनेरियो लिखना है, तो लूसी इज अ प्रोफेसर, तो मैं प्रोफेसर का एक प्रेडिकेट बनवा दूंगा। ये देखें मैंने बनाया इस प्रोफेसर लूसी, क्योंकि प्रोफेसर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोफेसर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो लूसी इज अ प्रोफेसर के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इस प्रोफेसर लूसी। अब फर्ज करें कोई और भी प्रोफेसर होगा तो ये इस प्रोफेसर अपनी जगह पे रहेगा और लूसी की जगह पे उसका नाम आ जाएगा। देखिए दूसरी चीज आई, ऑल प्रोफेसर ऑफ पीपल, पहले वाली लाइन में ना फॉर ऑल का काम था ना देयर एग्जिस्ट का काम था, पहले वाली लाइन में ना फॉर ऑल का काम था ना देयर एग्जिस्ट का काम था, सिंपल एक प्रेडिकेट बना दिया था इस प्रोफेसर लूसी। लेकिन दूसरी वाली लाइन में ऑल प्रोफेसर आर पीपल, तो अब चूंकि एक से ज्यादा की बात आ गई तो प्रोफेसर एक से ज्यादा होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि तमाम प्रोफेसर इंसान होते हैं, पीपल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स, अब वही वाला नाम यूज करूंगा जो ऊपर यूज किया इस प्रोफेसर, इसको अलग से नाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक सिनेरियो में, ये पूरा एक सिनेरियो है मेरा, ये पूरा सिनेरियो है, तो इस सिनेरियो में रहते हुए मैं वही नाम यूज करूंगा जो मैं ऊपर यूज करते हुए आया हूं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रोफेसर इंप्लाइज दैट एक्स इज पर्सन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोफेसर होगा वो इंसान होगा लाजमी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान है तो प्रोफेसर हो, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट यूज होगा, सही है। ऑल प्रोफेसर आर पीपल, अगर प्रोफेसर है तो इंसान होगा, अगर इंसान है तो जरूरी नहीं है वो प्रोफेसर हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इंप्लाइज दैट, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक्स इज अ प्रोफेसर इंप्लाइज दैट एक्स इज पर्सन, ठीक है, एक्स इज अ प्रोफेसर इंप्लाइज दैट एक्स इज पर्सन। देखिए एग्जांपल दोबारा देखिएगा, ये एक सिनेरियो बेस है, इस सिनेरियो बेस में सेम नाम यूज करने, तो लूसी इज अ प्रोफेसर के मैंने क्या लिखा है, इस प्रोफेसर लूसी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही थी, जब एक पर्सन की बात होती है तो आप इंडिविजुअल लिख सकते हैं, एक पर्सन मतलब स्पेसिफिक पर्सन नाम के साथ। जैसे ही दूसरी चीज आई और प्रोफेसर आर पीपल, तो मैंने कहा यार ऊपर प्रोफेसर की बात हुई है तो प्रोफेसर वाला ही प्रेडिकेट यूज करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना इस प्रोफेसर ब्रैकेट लूसी, इस पूरे को कहते हैं प्रेडिकेट। अब देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्रोफेसर इंप्लाइज दैट एक्स इज पर्सन, फॉर ऑल के साथ क्या यूज होता है टिपिकली, इंप्लाइज दैट। पीछे जाके एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन इज द डीन, अब ये किसी स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है तो इसके लिए मुझे फॉर ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल दियर एग्जिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एक प्रेडिकेट बनाऊंगा डीन का, डीन लिखूंगा बाहर ब्रैकेट के और अंदर लिख दूंगा जॉन, क्योंकि डीन जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये देखिएगा इस डीन जॉन, अब आप यहाँ डीन लिख देते हैं, इस डीन लिख देते, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इस डीन जॉन लिख दिया, क्लियर हो गई ये बात। अब जैसे ही यहाँ पर एक और प्रेडिकेट आया डीन आर प्रोफेसर, जैसे ही एक और प्रेडिकेट आया डीन आर प्रोफेसर, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तमाम डीन्स की बात कर रहा है कि डीन्स जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, मतलब जो कंडीशन है मिनिमम डीन के लिए वो क्या है कि डीन को प्रोफेसर के रैंक पे होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डीन होगा तो प्रोफेसर होगा, क्या मैं इससे मतलब निकाल सकता हूँ कि डीन होगा तो प्रोफेसर होगा, इफ सम फॉर ऑल डीन सच देन डीन इंप्लाइज दैट प्रोफेसर, ये कह सकता हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तमाम प्रोफेसर डीन होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तमाम प्रोफेसर डीन होंगे, तो ये इंप्लाइज दैट के साथ ही लगेगा कि अगर डीन है तो प्रोफेसर होगा, अगर डीन नहीं है तब भी प्रोफेसर हो सकता है। तो देखिएगा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स एक्स इज डीन इंप्लाइज दैट एक्स इज प्रोफेसर, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज डीन इंप्लाइज दैट एक्स इज प्रोफेसर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स डीन है तो वो प्रोफेसर होना चाहिए लाजमी, लेकिन अगर एक्स डीन नहीं है
तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो प्रोफेसर हो या ना हो. ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल देखें. ऑल प्रोफेसर कंसीडर डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम. कह रहे हैं कि वो तमाम प्रोफेसर डीन को अपना दोस्त समझते हैं या उसे नहीं जानते. थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसे समझते हैं. ऑल प्रोफेसर्स कंसीडर द डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम. तमाम प्रोफेसर डीन को अपना दोस्त समझते हैं या उसे नहीं जानते. अब ये देखिएगा, फॉर ऑल आ गया प्रोफेसर के साथ, तो ये देखिएगा. अब यहां पर दो दफा क्यों आया मैं आपको समझाता हूं. पहले तो आप अंदर वाले ब्रैकेट को समझिएगा, अंदर वाले ब्रैकेट को. अच्छा, ये जो प्रेडिकेट्स होती हैं इनको लिखने के ना एक से बात तरीके होते हैं, बस मीनिंग सही होनी चाहिए. अब ये देखिएगा, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं. ऑल प्रोफेसर कंसीडर डीन और फ्रेंड और डोंट नो हिम. देखें यहां पर ये इंप्लाइज डेट लगा हुआ है इस पूरे पे. अब ये और लॉजिक लगी हुई है, पहले इसको समझ लेते हैं ये वाली बात को. कंसीडर डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम, तो ये देखें, इस फ्रेंड ऑफ वाई कॉमा एक्स और नॉट नो एक्स कॉमा वाई. ये कह रहे हैं कि वाई कॉमा एक्स और एक्स कॉमा वाई. देखिए मैं एग्जांपल देता हूं. इन्होंने कहा कि तमाम प्रोफेसर जो एक्स है एंड वाई जो है वो डीन है. अब इन्होंने बोला फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई. इसका मतलब है एक्स को प्रोफेसर होना चाहिए एंड वाई को डीन होना चाहिए. एंड लॉजिक क्यों लगी हुई है, कि सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है. दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अगर एक्स प्रोफेसर है तो वाई क्या होना चाहिए, डीन होना चाहिए. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्स प्रोफेसर है एंड वाई डीन है तो आगे बात करूंगा मैं. इसका मतलब है अगर एक्स प्रोफेसर होगा और वाई डीन होगा तो ही बात होगी, अगर एक्स प्रोफेसर नहीं होगा या वाई डीन नहीं होगा तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं. एंड लॉजिक लगी हुई है, सही है. इंप्लाइज दैट, अब मैंने वाई किसे लिया, डीन को लिया, और एक्स किसे लिया, फ्रेंड को लिया. तो देखें, इस फ्रेंड ऑफ एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई और एक्स डजंट नोज वाई, सही है. वाई डजंट नो वाई, एक ही बात है, ठीक है. तो यहां पर ये और लॉजिक ये बता रही है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी कि या तो जानता होगा या नहीं जानता होगा, मतलब दोस्त होगा या नहीं जानता होगा, और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. तो थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, आपको इसको चंक्स बना के बनाना होता है, चंक्स में डिवाइड करना होता है. आप एक एक करके सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑल प्रोफेसर कंसीडर डीन, तो प्रोफेसर और डीन के लिए अलग अलग लिख दिया. अच्छा, अगली एग्जाम्पल देखते हैं, ये बड़ी आसान एग्जाम्पल है. एवरी वन इज अ फ्रेंड ऑफ समवन, एवरी वन इज अ फ्रेंड ऑफ समवन. अब यहां पर एवरी वन भी आ गया और समवन भी आ गया. अब जैसे एवरी वन आया तो मुझे फॉर ऑल समझ में आ गया, जैसे ही समवन आया तो मुझे क्या समझ में आ गया, देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना. अब मैं यहां पर ये देखूंगा कि भाई किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल बहुत आसान सी है. एवरी वन बाहर है, इज अ फ्रेंड ऑफ समवन. तो देखिए मैंने लिखा फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई हु इज एक्स फ्रेंड. ये देखें, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट वाई इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स, सिंपल. आखिरी एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी सेकेंड लास्ट. People only criticize people that are not their friends. लोग सिर्फ उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं जो उनके दोस्त नहीं होते. लोग उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं जो उनके दोस्त नहीं होते. ये देखिएगा, People only criticize people that are not their friend. तो for all x, for all y. हमने कहा कि भाई इंसान होना चाहिए y को भी x को भी, क्योंकि दोनों क्या हैं, people हैं. आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं एक्स भी पीपल होना चाहिए और वाई भी क्या होना चाहिए, पीपल. तो यहां पर एंड लॉजिक लगा दी. और एंड क्रिटिसाइज पे भी क्यों लगाया, देखें एक्स इज अ पर्सन, वाई इज अ पर्सन, एंड एक्स क्रिटिसाइज वाई इंप्लाइज दैट एक्स इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वाई. ये देखें, एक्स इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वाई. अब अगर फर्ज कर लें एक्स पर्सन नहीं है या वाई पर्सन नहीं है तो ये कंडीशन ही फॉल्स नहीं होगी. लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्रिटिसाइज हो सकता है ना करते हो जब एक दूसरे के दोस्त ना भी हो, ठीक है. तो ये इंप्लाइज दैट ये बता रहा होता है ये कंडीशन इसके अलावा भी ट्रू हो सकती है. और आखिरी चीज देख लें सिंपल, यहां पर आखिरी चीज देंगे सिंपल. यहां पर लिखा हुआ है लूसी क्रिटिसाइज जॉन. अब ये स्पेसिफिक केसेस की बात हो रही है. लूसी भी सिंगल बंधन है और जॉन भी स्पेसिफिक बंधन है. तो यहां पर हमें कोई प्रेडिकेट ऑल के लिए बनाने की जरूरत नहीं. हम सिंपल क्या लिखेंगे, क्रिटिसाइज का प्रेडिकेट बनाएंगे. ये देखें, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का प्रेडिकेट बनाया और लूसी कॉमा जॉन लिख दिया, ठीक है. क्रिटिसाइज का प्रेडिकेट बनाया और लूसी कॉमा जॉन लिख दिया, सही है.
अब ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है और ताकि आपकी एग्जांपल जो है वो क्लियर हो जाए, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ। मतलब ये भी कोई मसला नहीं है, इनको देख लीजिएगा, 6-7 एग्जांपल है। ये मैंने ना पूरा एक समझाने के लिए तकरीबन 20-22 एग्जाम्पल पिक किए हैं और इनमें मैंने आंसर भी दिए हैं मेरे, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करें, मैं 2-3 समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, ऑल स्टूडेंट आर स्मार्ट, ये जरूरी नहीं है सब में फॉर ऑल लगे, ये जरूरी नहीं है सब में देयर एग्जिस्ट लगे। ऑल स्टूडेंट आर स्मार्ट, तो देखें ये वही वाली एग्जाम्पल है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट इंप्लाइज दैट एक्स इज स्मार्ट। इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट होगा तो स्मार्ट होगा, अगर स्टूडेंट नहीं है तब भी स्मार्ट हो सकता है, सही है। अगर स्टूडेंट नहीं है तब भी स्मार्ट हो सकता है। इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, अब यहां पर देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, बस सिंपल सी बात लिखी हुई है कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स हु इज स्टूडेंट, तो यहां पर एंड वेंड लगाने की जरूरत, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट। अब यहां पर ये बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु इज दिस हु इज दिस, तो फिर आप लगाते हैं एंड लॉजिक, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सिंगल बंदे की बात हो रही है देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, तो आपने लिखा फॉर ऑल एक्स, सॉरी देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट के बारे में कोई बात हो रही होती कि वो ये करता है या वो ये पढ़ता है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, तो मैं एंड लगाता। अब लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट एंड एक्स इज स्मार्ट, सही है, क्लियर हो रही है बात। तो ये एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे हम तो हमें बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। ये देखिएगा आगे, एवरी स्टूडेंट लव सम स्टूडेंट, तो अगेन एवरी स्टूडेंट लव सम स्टूडेंट, तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट इंप्लाइज दैट। अब देखें यहां पर इंप्लाइज दैट के बाद मैंने दियर एग्जिस्ट की कंडीशन लगाई, उसका मतलब क्या है देखें, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है इंप्लाइज दैट दियर एग्जिस्ट सम वाई, वाई को भी स्टूडेंट होना चाहिए एंड एक्स लव्स वाई। तो ये जरा सुकून से देखिएगा, पहले आप आ जाएं इधर, पहले आप इसको समझें, ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट वाई स्टूडेंट वाई लव्स सम एक्स, और एक्स को भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है एक्स बहुत सारे, तो ये सारी। अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, बिल इज अ स्टूडेंट, अब ये सिंपल स्टूडेंट की बात हो रही है सिंगल नाम के साथ कॉन्स्टेंट के साथ, तो मैंने सिंपल लिख दिया बिल इज अ स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर कोई फॉर ऑल है देयर एग्जिस्ट कोई यूज नहीं करूंगा। इसी तरीके से ये देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखें अब जैसे एग्जाम्पल है बिल्स टैक्स एनालिसिस और ज्योमेट्री और बोथ, अब यहाँ पर कोई फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट नहीं लग रहा, सिंपल क्या लिखा हुआ है, एक टैक्स का प्रेडिकेट बनाया कि बिल ने कौन सा कोड लिया है एनालिसिस, और बिल ने कौन सा कोड लिया ज्योमेट्री, ठीक है, और लिखा इसी तरीके से एंड के साथ, कोई फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट नहीं लग रहा क्योंकि स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, उस बंदे का नाम हमें गिवेन है। ये देखें बिल डज नॉट टेक एनालिसिस, तो हमने लिखा टेक्स बिल कॉमा एनालिसिस नॉट लगा दिया, क्योंकि टेक्स का प्रेडिकेट ऑलरेडी बन चुका है, तो अगर टेक्स को नॉट के साथ लिख देंगे तो इसका मतलब डज नॉट, सही है। इस तरीके से सिंपल है, तो आप इनको एक्सप्लोर कीजिए, ब्रेक ही दे रहा हूं मैं आपको।